हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने रेसिपी तैयार की है। जी हाँ, तिल और गुड़ की बर्फ़ी। और इस बर्फ़ी को बनाने की आज रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप तिल लिया हुआ है और हम इसको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के समय हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और आँच का ध्यान रखना है कि हमको बहुत तेज़ भी नहीं करना है और बहुत स्लो भी नहीं करना है। और जब आप इसको भूनेंगे तो इसमें से चिटपिट की आवाज़ आने लगेगी। और इसीलिए मैंने ये जो बर्तन है थोड़ा बड़े साइज का लिया है ताकि हमारी जो तिल है वो पूरे में फैले नहीं। और इसके बाद में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनेंगे तो इसमें से भूनने की खुशबू आने लगती है और जो दाना है वो चपटे से गोल सा बन हो जाता है। तो समझ लीजिए कि हमारा जो तिल है वो अच्छे से भुन गया है। और आप लोगों को पता तो है ही, तिली का जो तेल होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो तेल लगाना भी फ़ायदेमंद है, साथ में तिल खाना भी फ़ायदेमंद है। इसके बाद में हमारी तिल जो भुन गई है तो हमने 1 चम्मच घी लिया हुआ है और इसमें 1 कप हमने कुटा हुआ गुड़ डाल दिया है। गुड़ लगभग हमारा 100 ग्राम के लगभग होगा। तो बस हम इसको धीमे आंच पर चलाएंगे तो हमारा जो सारा गुड़ है वो एकदम से इस टाइप से पिघल जाएगा। और हम इसको जलने नहीं देंगे, अच्छे से चलाते रहेंगे। और गुड़ तो आपको गुड़ का भी मालूम है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है गुड़। तो गुड़ भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से पक चुका है और हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे लिए ये परफेक्ट है कि नहीं। तो ये देखिए, हमने पानी लिया था इस कप में थोड़ा सा और इसमें हमने ये थोड़ा सा गुड़ डाल के देखा है। और देखिए एकदम ये बिल्कुल पिघल नहीं रहा था। तो बस इसी समय हमको अपना जो तिल है उसमें डाल देना है। मिक्स हो कर लिया है और अब हमने यहाँ पर चकले के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। और अब मैं इसमें अपना जो तिल और गुड़ का जो मिश्रण था जिसको हमने मिक्स कर दिया है इसको डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा शेप बना लेंगे, पेड़े के नुमा। और जो हाँ, जो ये देखिए, मैंने अपने हाथों की हेल्प से, ध्यान रखना है गरम भी है, और ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है हमारे कलछे में इसको भी हम निकाल देंगे। क्योंकि ये ना जब तक गरम है तभी तक हम इसमें इसके साथ अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और जैसे ये ठंडा हो जाएगा और जिस शेप में ये चला जाएगा फिर वही शेप ले लेगा। इसीलिए हमको गरम गरम में ही संभाल करके वर्क करना है इसके साथ में। और अब हम इसको बेलने के हेल्प से इसको हम एक पतली इसकी पट्टी बेल देंगे। ये देखिए अच्छे से, और गरम गरम में ही, गरम है तो हमारा ये अच्छे से फैल जाएगा। और जितनी पतली आप चाहें उतनी पतली इसकी बेल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये जो तिल और गुड़ है ये बेल गया है। और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और इसको देखिए, इस किनारे संभालते हुए हम इसको अच्छे से बेल लेंगे और जब हम कटिंग करेंगे तो इसके किनारों को हटा देंगे ताकि हमें एक प्रॉपर शेप मिले। देखिए गरम गरम में ही मैं इसको कट कर दूंगी और लगभग 1-1.5 इंची के पट्टियां हम इसकी कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा तिल और गुड़ की बर्फ़ी बनके तैयार है। इसको हमें गरम गरम में ही कट करना है, अदरवाइज़ ये कटेगी नहीं। और आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने हेयर ग्रोथ को बढ़ाइए और अपनी जो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, जिन लोगों के ब्लड में कम रहती है तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बस अब हम इसका जो आजू बाजू का जो अनशेप्ड है उसको हटा देंगे और बीच में से हम हमारी जो बर्फ़ी है, तिल गुड़ की जो बर्फ़ी का जो एक शेप मिल गया हमको प्रॉपर। देखिए बीच में एक
ये देखिए हमारे रेक्टेंगल्स बनके रेडी हो गए हैं। तो आप इनको किसी मेहमान के सामने भी सर्व कर सकते हैं और आप खुद भी इनको खाइए और फैमिली वालों को भी खिलाइए। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी ही मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। और